प्रदेश की मंडियों में हर साल धान की खरीद हो या गेहूं की खरीद हो, इन सभी की खरीद में मंडियों से घोटाले सामने आ रहे थे। लेकिन अब की बार इन मंडियों पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की पहले से ही नजर थी। इसी को लेकर सीएम फ्लाइंग की टीम पलवल की होडल अनाज मंडी औचक निरीक्षण करने पहुंची, जिस दौरान भारी अनियमितताएं पाई गईं। अनाज मंडी में धान फसल की कोई आवक नहीं हुई, जबकि मार्केट कमेटी के कर्मचारियों, अधिकारियों, आढ़तियों और राइस मिल मालिकों ने मिली भगत करके 11-12 अक्टूबर की रात लगभग 120 फर्जी गेट पास जारी किए और लगभग 20,000 क्विंटल धान की फर्जी आवक दिखाई गई। होडल थाना प्रभारी छत्रपाल सिंह ने क्या कुछ कहा, सुनिए। मामला ये मंडी स्टाफ के खिलाफ, आढ़तियों के खिलाफ और मिल मालिकों के खिलाफ है। ये मुकदमा धारा है 420, 67, 68, 471, 206 और 66 आई टी एक्ट के तहत ये मुकदमा दर्ज हुआ है। आरोप ये है कि लोगों ने फेक वो गेट पास बनवा कर वो धान यहाँ आता हुआ दिखाई दिया, परंतु यहाँ पर ना वो धान आया, कागजों में वो भारी बार निकाल दिया। सीएम फ्लाइंग की कार्रवाई के बाद से जिले की मंडियों में हड़कंप मच गया। अब पुलिस मामले की जांच में जुटी है।